विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का गणित बदल गया है। जो बीजेपी मोदी मैजिक के नाम पर शिवसेना पर दबाव बना रही थी, अब संभल गई है। उसे भी एहसास होने लगा है कि राजनीति के रास्ते कुछ महीनों में ही बदल जाते हैं। एक दिन के फासले में बड़ा फर्क आ गया है। विधानसभा उपचुनावों के परिणाम सामने आए और महाराष्ट्र में सीटों की सौदेबाजी पर बीजेपी की ठसक ठिठक में बदल गई। जो बीजेपी सोमवार तक 135 की माला जप रही थी, अब विचार, मंथन, मंत्रणा और मुलाकात पर केंद्रित हो गई है। हालांकि ताव अब भी कायम है कि महाराष्ट्र में मोदी का मैजिक चलेगा। इस भरोसे से अलग रणनीति बनाई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमित शाह महाराष्ट्र के प्रभारी ओम माथुर से मिले। महाराष्ट्र में शिवसेना से सीटों के बंटवारे पर बातचीत हुई। उससे पहले नितिन गडकरी महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं से मिले। रणनीतिक तौर पर कमजोर और मजबूत सीटों की पहचान की गई। देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत का ब्यौरा दिया। देखिए, नितिन जी गडकरी के साथ हमने आज बैठक की। महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या है, किस प्रकार से राजनीतिक परिस्थिति महाराष्ट्र में अभी तैयार हुई है, अलग अलग संभागों की परिस्थितियां क्या है, ये सारी चीजें हमने उनको ब्रीफ की है और उनके साथ विमर्श भी इन सारी चीजों के ऊपर किया है। लेकिन इन मुलाकातों से अलग बीजेपी शिवसेना के छोटे सहयोगी रामदास अठावले ने उद्धव ठाकरे से भेंट की। बातचीत के बाद गंभीर मुद्रा में बोले कि विधानसभा उपचुनाव के परिणाम अच्छे नहीं हैं। भला इसी में है कि महाराष्ट्र में गठबंधन की महायुति बनी रहे। और 25 साल से शिवसेना बीजेपी एक साथ है, तो अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को हराना है तो अपनी महायुति बरकरार रहनी चाहिए। बीजेपी महाराष्ट्र में सीटों के समझौते पर पुनर्वितरण की नीति अपनाना चाहती है। वैसी सीटें जहां से बीजेपी कभी नहीं जीती और वैसी ही सीटें जहां से शिवसेना का कभी बेड़ा पार नहीं हुआ, उन सीटों की अदला बदली की योजना बन रही है। योजना जरूरी भी है क्योंकि जिनकी पारी समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी, उन्होंने बीजेपी की पिचों पर रन बनाना शुरू कर दिया है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।